नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में, यूएई के बारे में और अबू धाबी के बारे में। पहली बात तो ये अपडेट मैं बता दूं कि वर्ल्ड में एक ऐसा यूएई कंट्री है, यूएई को 7 अमीरातों को मिला के बोलते हैं यूएई, बाकी दुबई दुबई बोल देते हैं, अबू धाबी बोल देते हैं। अलग अलग स्टेट अपनी जगह अलग अलग फेमस हैं, आप सबको पता है। हम भी अगर वीडियो बनाते हैं दुबई के नाम से दुनिया जानती है, यूएई के नाम से तो आप नॉर्मल जो यूएई में रहते हैं वो अलग बात है, बाकी आम आदमी को पता ही नहीं यूएई है क्या चीज़, सिर्फ दुबई चलता है। जी हाँ, तो आज हम यूएई के बारे में, यार यूएई एक ऐसी कंट्री है कि भाई इसके आगे तो हद हो गई, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या रीज़न है इसका। आगे हम बात करेंगे टिकटों के बारे में, यूएई की भाई टिकटें कब तक सस्ती हो सकती हैं, अप्रूवल का चक्कर लोगों को परेशान कर रहा है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अबू धाबी ने 70 देशों को वीज़ा ऑन काउंटर देगी, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जी हाँ, 1 लाख गोल्डन वीज़ा लोगों को दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड बात करेंगे। एयरपोर्ट रैपिड टेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे, समय बढ़ा दिया गया है, यूएई सरकार ने 6 देशों को ग्रीन लिस्ट से हटा दिया गया है। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। क्वारंटाइन से रिलेटेड हम बात करेंगे। इंडिगो एयर इंडिगो जो इंडिया की फ्लाइट है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे, उसको बैन कर दिया गया है। भाई पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको यूएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई अप्रूवल के बारे में, दुबई का अबू धाबी का अप्रूवल के बारे में मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को साथ समस्याएं हो रही हैं। जी हाँ, क्योंकि एक डंडा दे दिया अप्रूवल का, क्योंकि चाबी उसी के अंदर है। आपको आ जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं, दुबई पहुंच जाओ, अबू धाबी, शारजा, रसल खेमा, सब जगह आ जाओ, शारजा वगैरह में। लेकिन वो अप्रूवल का जो GDRF है ISA का, उसके अंदर एक ताला है, उसको आपको खोलना पड़ेगा। आपने वो खतरों के खिलाड़ी वाला देखा होगा शो, उसमें लॉक खोलने पड़ते हैं बार बार, कितना खतरा होता है, लॉक खोलते ही वो बंदा जीत जाता है। सेम कंडीशन अप्रूवल का कर दिया, इतने लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, बेचारे अनपेड कैटेगरी के आदमी जिनका वीज़ा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन ये अप्रूवल उनको नहीं मिल पा रहा। ऐसे गांव में, ढाणियों में, दूर दराज में बैठे हैं कि उनको अपने गांव से लेके शहर तक आने में पूरा दिन लग जाता है। ऐसे पिछड़े हुए गांवों के लोग वीएम में रहते हैं, वो ठीक है एजेंटों के द्वारा वहां पहुंच तो गए, लेकिन अब अप्रूवल का चक्कर उनको परेशान कर रहा है। अब ये अप्रूवल का चक्कर कब खत्म होगा पता नहीं, मुश्किल से जोड़ तोड़ करके बेचारे अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट भी डाल देते हैं, तो भी उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होने की वजह से अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो भाई सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अप्रूवल से रिलेटेड अगर आप परेशान हैं, दो ऑप्शन मैं बार बार देता हूं। पहला तो जहां से टिकट बनाए उनको पकड़ भाई, ये 1000 एक्स्ट्रा पकड़ दूं, मेरा अप्रूवल की जिम्मेदारी तेरी, 100% आपका काम सही हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जानकार कोई बाहर यूएई में बैठा है, दुबई में बैठा है, या फिर आपकी कंपनी है, उनको फ़ोन पे बात करें कि भाई आप सही डॉक्यूमेंट स्कैन करके उनको सेंड करिए, वहाँ से आप अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन अप्रूवल का, आप जो लोग अप्रूवल नहीं कर पा रहे उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है। जी हाँ, आगे हम बात करें टिकटों के बारे में। भाई टिकटों के भाव भी आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं यूएई के बारे में, दुबई की अगर बात करें तो। जी हाँ, लेकिन ये यकीन मान के चलिए कि अगले महीने सितंबर में टिकटों के नॉर्मल भाव हो जाएंगे, जो पहले चल रहे थे। जैसे आपको पता है आज से 8-10 महीने पहले नॉर्मल टिकटों के भाव थे, अप्रैल से पहले की बात करें, अप्रैल जनवरी फरवरी में। अगर बात करें दुबई से, जैसे राजस्थान जयपुर से टिकटें आ रही थी 7000-8000 की टिकटें आ रही थी, तो सेम कंडीशन वो हो जाएगी अगले वाले सितंबर महीने में, उम्मीद की जा रही है। हो सकता है 10 से 12000-15000 के बीच में आपको आराम से टिकट मिल सकती है। तो अगर आप अभी नहीं जाना चाहते हैं, अगले महीने में जाना चाहते हैं, तो टिकटों का ये जुगाड़ हो सकता है। जी हाँ, एक अफवाह फैल रही है, बहुत सारे लिंक मेरे को लोगों ने भेजे, सर दुबई ने तो फ्लाइटें बंद कर दी 24 अगस्त तक। लोग भाई जानकारी देने वाले इतने तेज तरार आदमी है कि टाइटल वगैरह इस तरह से डाल देते हैं, लोगों को भय हो जाता है। दुबई सरकार ने की 24 अगस्त तक फ्लाइटें बंद, अब बताओ जी, लोग घबराहट हो जाती है बेचारों की, यार हमने टिकट बना ली कैसे करेंगे। ये इंडिया की जो इंडिगो फ्लाइट है उसको ये बताया गया है कि भाई ये इन्होंने संचालन किया था अभी के दौरान इंडिया से दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए या फिर यूएई के लिए। जी हाँ, तो उसमें उनकी कुछ दिखाई दी, दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनकी कुछ कमियां देखी कि जिन यात्रियों को लेके आ रहे हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई है। जी हाँ, कुछ में गलत हुआ है, तो उनको 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, बंद किया गया। अब दिक्कत उनको होगी जो इंडिगो के द्वारा दुबई जा रहे थे 24 तारीख के बीच में, 18 और 24 के बीच में, उन लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है। क्योंकि भाई आपने टिकट बना ली, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका एन वक्त पे जो फ्लाइटें बंद हो गई, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप पूरा सिस्टम कैंसिल करो, या होगा भाई उसी दौरान आप दूसरी टिकट, दूसरी फ्लाइट की टिकट बुक करके पहुंचो, और उस टिकट का, उसमें टिकटें बुक करवाइए, वो पैसा रिफंड हो जाएगा, नो टेंशन,
या तो टिकट आपके एक्सटेंड करवा सकते हैं, आगे के लिए ले सकते हैं, या फिर आप उसमें टिकट का जो रिफंड का ऑप्शन आता है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी तो गलती नहीं है। तो इन चीज़ों में टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आगे बात करें भाई, देखिए यूएई सरकार ने 6 देशों को ग्रीन लिस्ट से हटा दिया। अब पहले तो ये सुन लीजिए, ग्रीन लिस्ट किन किन को हटाया, यूएस अमेरिका को हटा दिया, मालदीव को हटा दिया, आर्मेनिया, इजराइल, इटली और ऑस्ट्रिया। जी हाँ, इन 6 देशों को ग्रीन लिस्ट से हटा दिया। जबकि ये सोचिए कि यार सऊदी ने और कुवैत ने इन देशों के लिए फ्लाइटें अपनी स्टार्ट करी हैं। देखो सोच कितना डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हो। दुबई यूएई सरकार ने इनको हटा दिया। अब यहाँ से आने वाले लोगों को 14 दिन वहाँ क्वारंटाइन रह के फिर आना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आ सकते। जो लोग दुबई जा रहे थे या दूसरी कंट्री थर्ड कंट्री होके इन देशों के द्वारा जा रहे थे, अब उन लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम हो गई भाई, समझ रहे हो। पहले वहाँ जा रहे थे, डायरेक्ट इधर से आ रहे थे, अब 14 दिन क्वारंटाइन होके फिर आना पड़ेगा, क्योंकि इनको ग्रीन लिस्ट से हटा दिया गया है। तो क्वारंटाइन वाला सिस्टम लागू हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इन देशों को सऊदी ने और कुवैत ने इजाज़त दे दी फ्लाइटें उड़ने की। तो ये एक सोच का डिफरेंस है भाई। जी हाँ, आगे अगर बात करें तो भाई यूएई सरकार की तरफ से एक रैपिड टेस्ट का ऑप्शन था एयरपोर्ट पर अगर आप जाते थे। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम वाली बात थी कि 4 घंटे के अंदर सब कुछ होना चाहिए आपका, इसको बढ़ा के आप लोगों के ऊपर रहम खाते हुए 6 घंटे यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा कर दिए गए। इसको भी लोग पता नहीं किस तरह से बड़ी बूम बना के बता रहे, इतना तो बड़ा कोई ये कोई न्यूज़ मुझे नहीं लगती। 4 घंटे की बजाय 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर। पहले 4 घंटे वैलिड होता था, अब ये 6 घंटे तक वैलिड होगा। ये आपको जैसे एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट लोगे उसके दौरान आपको दुबई एयरपोर्ट तक पहुँचने के दौरान 6 घंटे का टाइम मिलेगा, पहले आपको 4 घंटे का टाइम मिलता था। जी हाँ, तो ये न्यूज़ आपके लिए हो सकती है अच्छी, इसको आप मान सकते हैं। अब हम बात करें भाई आबू धाबी ने, जी हाँ आबू धाबी देश ने 70 देशों के लिए काउंटर वीज़ा ओपन कर दिए। जी हाँ, अब काउंटर वीज़ा 70 देशों के लिए अचानक से क्यों कर दिए हैं, क्या रीज़न हो सकता है, वो तो अगर देखा जाए तो भाई एक तरीके से लोगों को अपने देश में खींचने का तरीका हो सकता है, टूरिज़्म बढ़ाने का, पैसा कमाने का, सिंपल सी बात है। दुबई अगर करता है तो दुबई एक्सपो 20 के लिए करता है, सीधी सी बात है। सब कोई भी करता है वो पैसों के लिए करता है। अगर आप चाहते हैं 70 देशों का नाम, तो मैं लिस्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं, तुरंत स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इन देशों के लोग अपने देश से आएंगे पासपोर्ट लेकर दुबई अबू धाबी काउंटर पे पहुंचने के बाद ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाके तुरंत ये वीजा ले सकते हैं। जी हाँ, नाम की बात करें तो भाई मोंटेनेग्रो, नारू, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पीपुल्स, चीन गणराज्य, पेरू, पोलैंड, मॉरिशस, अल सल्वाडोर गणराज्य, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइस, सेन मेरिको, सर्बिया, सेशेल्स, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्लोमेन, दक्षिणी कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, द वेटिकन, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जी हाँ, और उरुग्वे। आगे बात करें भाई एंडिरो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहामास, बारमाडोस, बेल्जियम, ब्राज़ील, ब्रुनेई, बुल्गारिया, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, होंडुरास, हांगकांग, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, कजाकिस्तान, लात्विया, लिक्टेस्टिन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मालदीव, माल्टा, मेक्सिको, मोनाको। जी हाँ, ये जो 70 देश हैं भाई, इन देशों के लोग अपना पासपोर्ट लेके आएंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आएंगे अबू धाबी एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे जाके अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और उनको फ़ोटो खींच के उनका वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन यार एक बात मैंने आपको फर्स्ट में बोली थी कि भाई दुबई अबू धाबी के जितने नियम है ना उतने तो किसी भी देश के नहीं है, ये बात अब बताता हूँ मैं, ये क्या मैटर है। देखिए वर्ल्ड के अंदर 207-8 देशों के करीब देश माने जाते हैं। जी हाँ, उनमें सब देशों के सेम नियम है, एक देश में एक ही नियम लागू होता है। लेकिन आपने क्या देखा, आपने भाई दुबई के अंदर यूएई में 7 इमिरेट्स हैं और 7ों में 7 प्रकार के नियम हैं। आप अगर लोग विदेश जाते हैं तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कोई न्यूज़ निकल के आती है दुबई के लिए, आप अबू धाबी जा रहे हैं, अबू धाबी के लिए अलग नियम होंगे, अबू दुबई के लिए अलग नियम होंगे, शारजा के लिए अलग नियम होंगे, जी हाँ रासल खेमा के लिए अलग। यानी एयरपोर्ट के हम अगर बात करें तो अभी ये स्थिति चल रही है, आपको सबको पता है दुबई वालों के लिए ये नियम है तो ये आप इधर नहीं जा सकते, उधर वाले इधर नहीं आ सकते। अब दुबई का अलग नियम चल रहा है, अब दुबई में क्वारंटाइन का सिस्टम नहीं है, अबू धाबी में क्वारंटाइन 12 दिन होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। यानी देश एक है लेकिन वहाँ पर राजा सब अलग अलग हैं,
उनके सबके नियम अलग अलग बना के वो चलते हैं। जी हाँ, सेम नियम उनका एक जैसा नहीं है, अलग अलग सबके वीज़ा हैं। अबूधाबी का वीज़ा है तो आप अबूधाबी जा सकते हैं, दुबई का वीज़ा है तो आप दुबई जा सकते हैं। आपने देखा ना, ऐसा है ना सिस्टम। तो यार यही एक ऐसा देश है दुबई की, उनके सब लोगों के अलग अलग नियम हैं, उनके सब चीज़ों में अलग अलग है। एक जैसा नहीं है कि भाई चलो इसमें ही है, और भी बहुत सारी वहाँ की अंदरूनी चीज़ें हैं कि वहाँ पे ये नियम यहाँ पे अलग हो रहा है, वहाँ पे अलग नियम हो रहा है। चाहे आप मोटर गाड़ी से रिलेटेड देख लो, इंश्योरेंस से रिलेटेड देख लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। यही देश ऐसा है भाई। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।